होंगे कि चलो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ लेता। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर तुम पढ़ने जाओ बेटा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजेस तो ऐसे हैं कि 15 लाख पर एनम का फीस, मैं बता रही हूँ, इनटू 5 कर लो, 5 साल की डिग्री है ये। तो फिर क्या ऑप्शन बच जाता है कि एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड ऑप्ट भी करते हैं, और क्योंकि जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है वहां पे बहुत सारे कंसल्टेंसी आ जाते हैं जो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कंसल्टेंसी है वो अपना फायदा देखते हैं, ठीक है। वो बच्चों का फायदा बाद में सोचेंगे, पहले अपना पॉकेट भरने का सोचेंगे। इसीलिए आप कंसल्टेंसी का हेल्प भले ही लो, आप अपना ड्यू डिलिजेंस, अपना खुद का रिसर्च जरूर करना। हर किसी के फोन में इंटरनेट है, हर किसी के पास वो साधन है टू चेक इफ द कॉलेज दे आर रेफरिंग यू टू इज सूटेबल फॉर द एमबीबीएस डिग्री, जो आपको हेल्प करेगा इंडिया में वापस आके यहाँ प्रैक्टिस करने का, ठीक है। बहुत सारे क्राइटेरियाज है जो एनएमसी के गाइडलाइंस में है, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। बट एक गुड न्यूज मैं आपको फिर भी देना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कुछ ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में जहां पे पर ईयर फीस 750 तक है बस। श्री माधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, 750 रुपीज पर ईयर, एस्टैब्लिश्ड लास्ट ईयर का ही एस्टैब्लिशमेंट है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको एक लंबा टाइम का बॉन्ड उन लोग के साथ बनाना पड़ेगा और उन्हीं के साथ काम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट ब्रेक द बॉन्ड। इफ यू ब्रेक द बॉन्ड, अ बिग पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन यू, ठीक है। दूसरा और एक मेडिकल कॉलेज है, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे आप देख सकते हो रुपीज 7.7 लाख पर ईयर, सस्ता मान के चल रहे हैं। इसको अगर सस्ता मान के चल रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि महंगा मेडिकल कॉलेज इन इंडिया क्या हो सकता है। एक मैंने वीडियो बनाया था बच्चों कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर। अगर आपने वो KEM का फॉर्म नहीं भरा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे उन मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वहां के। बट अगेन दोज आर वेरी एक्सपेंसिव, लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 एंड इट गोज अप टू 10-15-20 लाख पर ईयर। बट ये देखा जाता है कि पूरा एमबीबीएस का डिग्री मात्र 20 लाख रुपए में हो जाता है अब्रॉड में, तो क्यों ना बच्चा अब्रॉड जाए, ठीक है। अगर इतना ही इजी है 20 लाख रुपए कहीं से जुगाड़ करके, एजुकेशन लोन वगैरह लेके आप एमबीबीएस अब्रॉड करने चले गए, तो बच्चा मेहनत क्यों करे नीट के लिए। वो सीधा अब्रॉड चला जाए, एमबीबीएस करके वापस आ जाए, पैसा कमाए और लोन वापस पूरा करे अपना, है ना। बच्चों बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं एमबीबीएस अब्रॉड के, उसे जान लेते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ एक गाइडलाइन का जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिया है। लास्ट ईयर नवंबर में ये रिलीज हुआ था अबाउट क्लेरिफिकेशन ऑफ वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। FMG का एग्जाम होता है। अगर आप बाहर एमबीबीएस करके आते हो तो आपको ये FMG का एक एग्जाम देना पड़ता है, वो क्लियर करोगे तभी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। इसके कितने गाइडलाइंस हैं, क्या चीजें हैं, उसके बारे में बात करेंगे अभी। बट उससे पहले मैं बता दूं कि आपको अगर बाहर एमबीबीएस करने जाना है और आपको एन नंबर ऑफ कॉलेजेस आपके एजेंसी ने बताए हैं या आपने खुद से रिसर्च किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं बाय आर इंडियन गवर्नमेंट, बाय NMC। वो किस तरीके से करोगे आप, आपको जाना पड़ेगा वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल, ये वेबसाइट है। आप ये लिखोगे, ये वेबसाइट खुलेगा आपके सामने, ठीक है। आपको जो जो भी नाम आपके एजेंसी ने दिया है या आपने निकाला है कॉलेजेस के, मेडिकल कॉलेजेस के, उसका आपको यहाँ पे डिटेल भरना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कनाडा में रहने वाली लड़की हूँ, ठीक है, और मुझे एमबीबीएस करना है यहाँ इंडिया में, ठीक है। तो फिर मैं सिलेक्ट करूंगी कि मुझे इंडिया का एम्स दिल्ली में एमबीबीएस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी कंट्री इंडिया, मेडिकल स्कूल नेम मैंने मान लो लिख दिया एम्स, ठीक है, सिटी दिल्ली, ऑपरेशनल, क्या ये ऑपरेशनल है अभी, यस, और मैंने यहाँ पे कर दिया है सर्च। मुझे नहीं पता कि ये मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कुछ नहीं पता। मैंने बस सर्च किया क्योंकि मुझे दिखा कि चलो ये एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है, इसके रिव्यूज अच्छे हैं। मैं कनाडा में बैठ के इंडिया के मेडिकल कॉलेज का सर्च कर रही हूँ और वो भी एम्स दिल्ली का। मैंने किया यहाँ पे सर्च पे, मैंने क्लिक किया, उसके बाद आपको ले जाया जाएगा इस पेज पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे डिटेल्स कि ये गवर्नमेंट कॉलेज ही है, 1956 में ये स्टार्ट हुआ था, करेंटली ये ऑपरेशनल है, इसका वेबसाइट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा। आपको जाना है वहां पे, ये बगल में आप स्पॉन्सर नोट्स देख रहे हो, वहां पे जैसे ही आप जाओगे आपको ये पेज दिखेगा। यहां पे लिखा है कि वहां एम्स दिल्ली से लिया गया डिग्री इज वैलिड इन कनाडा, ठीक है, एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दो जगह पे, उस कॉलेज से अगर तुम डिग्री लेते हो इन दोनों जगहों पे वो वैलिड है, ठीक है। हाँ, आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा और उस जगह का लाइसेंस ले लेना पड़ेगा, बट एम्स दिल्ली का एमबीबीएस डिग्री इज वैलिड इन कनाडा एंड यूएसए। अगर आप वहां के रहने वाले NRIs हो एंड यू वांट टू गो बैक टू कनाडा आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस डिग्री, वहां का लाइसेंस का एग्जाम दो, वापस चले जाओ, ठीक है।
सेम चीज आपको करना है जब आप बाहर के जगह के कोई मेडिकल कॉलेज का डिटेल सर्च कर रहे होंगे, ठीक है? आप वहां पे जो भी कॉलेज का नाम है, जिस कंट्री में है, वो सारी चीज देके सर्च करोगे। सर्च करके आपको स्पॉन्सर नोट में यहाँ पे दिखना चाहिए कि उस मेडिकल कॉलेज का डिग्री वैलिड है कि नहीं, इंडिया वहां पे दिख रहा है कि नहीं कहीं पे आपको। वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज आपको कह देंगी कि मैम ये तो बस 6 साल का कोर्स है, आपको 5 साल का थियोरी, 1 ईयर का इंटर्नशिप, इट्स अ 6 ईयर कोर्स। ठीक है, आप भी सोचोगे कि हाँ भाई 6 साल का कोर्स है, मतलब 5.5 ईयर लगभग का कोर्स होगा, जिसमें इंटर्नशिप भी है, और 4.5 ईयर का कोर्स लगभग हो जाएगा। इट इज एग्जैक्टली लाइक हाउ इट वर्क्स इन इंडिया। बट वहां जाके आपको पता चलेगा खेल तो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे इंटर्नशिप 1 साल का होता ही नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर हो गया उसके बाद 3 महीने का इंटर्नशिप, फिर सेकेंड ईयर हो गया उसके बाद मान लो 2 महीने का इंटर्नशिप, ऐसे रोटेशनल इंटर्नशिप करते करते 1 साल का इंटर्नशिप होता है। पर ऐसे रोटेशनल इंटर्नशिप्स इंडिया में वैलिड ही नहीं होंगे, आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को करना है अपना खुद का रिसर्च। अभी बात करते हैं कुछ गाइडलाइंस का। सारे 7 पॉइंट्स बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहला चीज, अगर आपको नीट एमबीबीएस बाहर से करना है, यू हैव टू बी नीट क्वालिफाइड। नीट के एग्जाम के बगैर आप बाहर एमबीबीएस नहीं करने जा सकते, यू हैव टू बी नीट क्वालिफाइड। उसका क्वालिफिकेशन जो मार्क निकलेगा मिनिमम उतना आपको मिलने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। यहाँ पे आपको बहुत बुड़बक बना दिया जाएगा बच्चों। देखो 4.5 इंडिया का क्या है, 4.5 ईयर्स आपका थ्योरी या पढ़ाया जाता है आपके कॉलेज में, और 1 ईयर का पूरा 1 ईयर बस इंटर्नशिप ही होता है, और वो भी इंडिया में ही उसी कॉलेज में। तो ये भी जरूरी है कि आप जहां पे ये कोर्स कर रहे हो वहीं पे आप 1 साल इंटर्नशिप करो, ये बड़ा जरूरी है बच्चों। क्या मैंने कहा, 4.5 का क्लास एंड 1 ईयर कंटिन्यूअस इंटर्नशिप इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। मान लो रशिया में कर रहे हो आप, वहीं पे इंटर्नशिप होने चाहिए। छोटी छोटी डिटेल है बट ये अटका देगा। आप जब 5 साल का कोर्स करके वापस आओगे, 6 साल का कोर्स करके वापस आओगे, इंडियन गवर्नमेंट आपका एक्सेप्टेंस लेगा ही नहीं, तो आप बस 12th पास रह जाओगे। इतना पैसा खर्चा किया, व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट? तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ब्रेक डाउन करके, डू नॉट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग द एजेंसी कि मुझे इसको ब्रेक डाउन करके बताओ 4.5 ईयर का ये होगा, 1 ईयर का कंटिन्यूअस इंटर्नशिप होगा कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमारे एनएमसी ने बताया है, ये देखो जो भी उस कॉलेज का सिलेबस है और जो उस कॉलेज का करिकुलम है, किस तरीके से वो 4.5 ईयर्स और 1 ईयर का इंटर्नशिप ब्रेक डाउन करता है, दैट हैज टू बी मेंशनड क्लियरली ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस ये है, करिकुलम ये है। कोई उसमें छुपाने वाली चीज अगर कहीं से भी थोड़ा सा फिशी लगेगा, एनएमसी विल नॉट टेक यू इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 में, दैट कंट्री शुड गिव लाइसेंस टू प्रैक्टिस। ऐसा बहुत सारे केसेस पहले आए हैं बच्चों, जहां पे हमारे बच्चे वहां बहुत सारे पैसे देके चले जाते हैं, उनको बहुत बेसिक सा कोर्स करवाते हैं जो शायद नर्सेस वगैरह को कराते हैं, अच्छी पढ़ाई उन लोग से कराते नहीं है, उनको वहां पे एज अ डॉक्टर लाइसेंस वो लोग देते नहीं है, उनको कहा जाता है यू गो बैक टू योर कंट्री एंड यू प्रैक्टिस देयर। तो वो बच्चे उतना तो नॉलेज वो लोग ग्रैस्प किए ही नहीं जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को करना चाहिए। तो इसीलिए उनको कहा गया है कि उसी कंट्री में लाइसेंस के लिए वहां भी एग्जाम होता है, इंडिया में भी एग्जाम होता है, वहां भी एग्जाम होता है। मान लो रशिया में आप एमबीबीएस कर रहे हो, कजाकिस्तान में कर रहे हो, दीज आर मतलब फेमस प्लेसेस नाउडेज, तो वहां से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो, वहां पे आपको लाइसेंस के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम देना पड़ेगा और वो एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद मतलब एग्जाम क्वालिफाई किया इसका मतलब क्या है, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया आ जाओगे। तो एक्स्ट्रा एडिशनल चीज आपको क्या करना पड़ा, यहां तक तो ठीक था। यहां के बच्चे जो इंडिया में नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करेंगे, वो नीट क्वालिफाई करेंगे, उनका ड्यूरेशन ये रहेगा, आपका भी ड्यूरेशन ये रहेगा, यहां तक ठीक है। बट ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं आ गया, रशिया में आपको या फिर कजाकिस्तान में आपको लाइसेंस के लिए एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ेगा। ये कोई हलवा एग्जाम नहीं होता, दीज आर टफ एग्जाम्स। ठीक है, वो एग्जाम क्लियर करके आपने वहां का लाइसेंस लिया, पहला एक्स्ट्रा एग्जाम आपने दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वहां पे क्लियरली मेंशन होने चाहिए कि वहां पे 19 सब्जेक्ट्स है कि नहीं जो एग्जैक्टली इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, 19 सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग योर एमबीबीएस, वो 19 सब्जेक्ट वहां पे पढ़ाए जाते हैं कि नहीं। रशिया में कुछ कुछ कॉलेजेस में एडिशनल भी पढ़ाए जाते हैं, मैंने देखा था वीडियोस, और कुछ ऐसे बच्चे जो वहां पे गए हुए हैं वो लोग बता रहे थे कि एडिशनल जैसे साइकोलॉजी वगैरह कुछ और भी कोर्सेस करवाते हैं, तो उसका कोई हार्म नहीं है, देयर इज नो हार्म इन दैट, यू कैन डू दोस, बट एटलीस्ट 19 सब्जेक्ट तो होने चाहिए एग्जैक्टली लाइक हाउ वी हैव इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजें हैं बट डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना है। उसके बाद आप पहले तो आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया, 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप करके आए आप, उसी कंट्री में करके आए आप। ठीक है, और ये रोटेशनल इंटर्नशिप नहीं, 1 ईयर लॉन्ग एट अ स्ट्रेच इंटर्नशिप होना चाहिए। उसके बाद आपने लाइसेंस का एग्जाम दिया वहां पे, उसके बाद आप इंडिया आओगे, इंडिया आके आप नेक्स्ट 1 का एग्जाम दोगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 का एग्जाम दोगे, फिर इंडिया में करोगे आप इंटर्नशिप।
समझ रहे हो, इंडिया में आप करोगे इंटर्नशिप एक साल का, उसके बाद आप दोगे नेक्स्ट टू का एग्जाम। बच्चों आपने वहां इंटर्नशिप किया, लाइसेंस लिया, आप वहीं पे प्रैक्टिस करते रहे तो नो प्रॉब्लम, बट आप इंडिया आए, आपने नेक्स्ट वन का एग्जाम दिया। हमारे बच्चे एमबीबीएस करने के बाद, ये पूरा ड्यूरेशन करने के बाद, वो सीधा नेक्स्ट वन का एग्जाम देंगे, फिर वो इंटर्नशिप करेंगे। मतलब 4.5 इयर्स के बाद इंडिया के बच्चे नेक्स्ट वन का एग्जाम देके इंटर्नशिप करेंगे। आप वन ईयर का इंटर्नशिप कर चुके होंगे, फिर नेक्स्ट का एग्जाम देंगे, फिर इंडिया में आके इंटर्नशिप करोगे, फिर नेक्स्ट टू का एग्जाम दोगे। नेक्स्ट टू का एग्जाम दोगे तभी आपको इधर पीजी में सीट मिलेगा या फिर लाइसेंस मिलेगा इंडिया में प्रैक्टिस करने का। ठीक है, ये दो एग्जाम कंप्लीट करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा इंडिया में प्रैक्टिस करने का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि चलो मैं चला जाता हूं अब्रॉड, हलवा नहीं है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, अब्रॉड मत जाओ, क्योंकि उसके बाद आप अगर सोचते रहते हो कि अरे मजे मजे का डिग्री लेके आ जाएंगे, मम्मी पापा के पास पैसा है, डॉक्टर बन के आ जाएंगे, नहीं होगा। आपको ये सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर ये एग्जाम्स आप क्लियर नहीं कर पाते हो, और इसमें भी टाइम ड्यूरेशन है, शायद नेक्स्ट टू का एग्जाम आपको कुछ लगभग 10 साल के अंदर कंप्लीट करने होते हैं, तो यहाँ पे कितना चला गया आपका, 5 साल चला गया, 5.5 इयर्स यहाँ पे चला गया आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंडिया पे आके आपने 6 साल, 1 साल का इंटर्नशिप किया, 6 साल चला गया आपका। उसके बाद लगभग 8-10 साल के अंदर आपको ये वाला देना पड़ेगा एग्जाम। कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे इसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है, लाइक 6.5 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, 6.5 इयर्स का अगर आपने वहां पढ़ाई ही की, उसके बाद आके यहाँ पे इंटर्नशिप, फिर नेक्स्ट टू का एग्जाम, और ये 10 साल का ड्यूरेशन और कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि एक टाइम लिमिट के अंदर आप, अगर आपने ये सारे एग्जाम्स इंडिया में आके कंप्लीट नहीं किए, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपका डिग्री वैलिड नहीं होगा, यू विल जस्ट बी अ 12th पास आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी एंड आफ्टर स्टडिंग फॉर 5 to 6 इयर्स। तो देख लो, बाहर एमबीबीएस करने जाना इजी नहीं है। पैसा है तो एमबीबीएस कर लिए, वो पुरानी कहावत थी, अभी नहीं हो सकता, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्क्रीनिंग एग्जाम्स। जो होगा उसे क्लियर करोगे, उसके बाद ही आप बन सकते हो इंडिया में डॉक्टर। उसके बाद बच्चों ऐसा होता है कि वो लोग बच्चे एजेंसी के कहने पे किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। मान लो रशिया में किसी मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद क्या होता है कि वहां जाके पता चलता है कि 1 साल हो गया, 1 ईयर के बाद पता चलता है अरे इस मेडिकल कॉलेज में तो इंटर्नशिप रोटेशनल है, जो इंडिया में नहीं चलता है। 1 ईयर का चलना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो रोटेशनल है, या फिर यहाँ पे इनफ पेशेंट्स नहीं है, इनफ यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रांसफर ले लेता हूँ रशिया में ही। 1 साल के बाद कोई दूसरे मेडिकल कॉलेज में वो ट्रांसफर ले लेता है, तो वो सेकेंड ईयर से कंटिन्यू करता है, सेकेंड ईयर से वहां पे कंटिन्यू करता है। तो एनएमसी के गाइडलाइन अभी ये कहते हैं कि यू कैन नॉट टेक ट्रांसफर, ये जो 4.5 इयर्स एंड एक्स्ट्रा 1 ईयर का इंटर्नशिप है वो एक ही जगह से होने चाहिए, आप कॉलेज स्विच कर करके नहीं कर सकते हो। तो अगर 1 साल के बाद आपको पता चलता है आपने तो एकदम बेकार कॉलेज में एडमिशन लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कॉलेज स्विच करते हो फिर से आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा नए कॉलेज में। तो सोचो, एमबीबीएस बाहर करने जाना कोई मजाक नहीं है, आप तभी करो अगर आपका बहुत ड्रॉप ईयर हो गया है, 2 से अधिक ड्रॉप ईयर आपके हो गए हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप आयुष कोर्सेज नहीं करना चाहते, आपको एमबीबीएस ही चाहिए, इंडिया के प्राइवेट कॉलेज लायक आपको पैसा नहीं है और आपको बाहर जाना ही जाना है, बट यू आर रेडी टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, यू आर रेडी टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, ओनली देन गो अब्रॉड। इसके साथ साथ बच्चों अगर कुछ घटना हो जाती है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन में तो अभी कुछ बचा नहीं है, मेडिकल कॉलेज वगैरह एवरीथिंग इज शट। तो वहां पे जो हमारे इंडिया के बच्चे जा रहे थे, यूक्रेन में बता दूं वाज द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया टू गो एंड डू एमबीबीएस देयर, यूक्रेन, फिलीपींस, रशिया, ये सारे कुछ फेवरेट जगह है। अभी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जगह भी उभर के आ रहे हैं, वहां पे भी एमबीबीएस बड़ा चीप है। तो अभी जैसे यूक्रेन में ये हाल है, तो यूक्रेन के बच्चों को एनएमसी ने कंसिडर किया है, उनका ट्रांसफर अलाउ किया है। मतलब कोई कॉलेज में वो लोग पढ़ रहे थे, अभी वो लोग मान लो इंडिया आ गए, कोई और कंट्री आ गए, मान लो कोई बच्चा 4th ईयर में था तो उसको 5th ईयर का पढ़ाई कहीं और करने दिया जा रहा है। ये बस तभी एनएमसी अलाउ करता है जब ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस उनके सामने आ जाता है बच्चों। तो अब अगर आपने ठान ही लिया है कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड करूंगा, मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, तो फर्स्ट यू हैव टू बी रेडी टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, हार्डर देन पीपल हु आर डूइंग एमबीबीएस इन इंडिया। दूसरी चीज, आपको अपने मम्मी पापा का पैसा खर्च करने से पहले उस कॉलेज का पूरा उसका कुंडली निकालना है, पूरा समझना है, रिव्यूज देखना है, लिंक्डइन में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको पकड़ो, उनसे डायरेक्ट बात करो, डू योर मैक्सिमम रिसर्च बिफोर गोइंग इनटू द कॉलेज। और एक अच्छी बात है बच्चों, इंडिया का जो एम्बेसी है वहां पे, फॉर एग्जांपल इंडिया का जो रशिया में एम्बेसी है, उसका वेबसाइट आप खोलोगे, उस वेबसाइट में आपको मिलेगा द लिस्ट ऑफ कॉलेज जो हमारे इंडिया से कंसिडर करते हैं, मतलब वहां का डिग्री इंडिया में वैलिड है। दूसरी चीज जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई, ये वेबसाइट वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, यहाँ जाके वो स्कूल का नाम, कौन सा मेडिकल स्कूल है, कौन सा क्या चीज है, वहां पे सर्च कर लेना और देखना कि जो एक्सेप्टेंस है वो इंडिया में उसका डिग्री एक्सेप्ट है कि नहीं।
ये सारी रिसर्च किए बगैर बच्चों पैसा किसी के हाथ में नहीं देना। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एनएमसी के सर्कुलर से जो मैं निकाल के लाई हूँ, विच यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ बिफोर हैंडिंग आउट मनी एंड बिफोर थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड टू डू योर एमबीबीएस डिग्री। बच्चों पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये वीडियो वही बच्चा देख रहा होगा जिसका नीट में नंबर कम आया है। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने मेहनत जोरों शोरों से की होगी, कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी आपके स्ट्रेटजी में, आपके तैयारी के दौरान आप शायद भटक गए होंगे। मैं ये नहीं कह रही आपने मेहनत नहीं किया, बट शायद योर स्ट्रेटजी ऑफ क्लियरिंग नीड वॉज नॉट वेरी गुड, मे बी यू वेर नॉट वेरी कंसिस्टेंट, यू वेर वर्किंग हार्ड बट इनकंसिस्टेंटली, बहुत सारी चीजें आपके रास्ते में आ गई होगी बच्चों। तो अभी भी अगर आपको लगता है मैं फिर से नीट के लिए प्रिपेयर करूंगा, देन लेट मी टेल यू द नीट वन टीम इज ऑलवेज देयर विथ यू। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर से ज्वाइन कर लेना सो दैट यू गेट टू नो कि हमारा जो नया लॉन्च हो रहा है 2025 का वो कब होगा। एंड द गुड न्यूज लेट मी टेल यू बच्चा, इट इज happening for free on YouTube. हम लोग कुछ extra charges नहीं लेंगे, we just want you to be consistent with us. हम लोग इसी channel पे एक बेहतरीन 2025 का क्लास शुरू करेंगे बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और हम लोग लगभग सितंबर तक आपका कोर्स पूरा पूरा कंप्लीट कराएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। सो ऑल वी नीड इज योर सपोर्ट, योर लव, एंड वी वांट यू टू स्प्रेड द न्यूज एंड जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल हमारा। एंड लेट मी टेल यू, आप लोग हो तो हम हैं, सो यू पीपल आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ नीड वन चैनल, है ना बच्चों। बिना कोई देरी किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड नो मैटर वेयर यू गो इन लाइफ वी जस्ट होप एंड प्रे दैट यू बी सक्सेसफुल। और अगर नीट 2025 के लिए तैयारी करनी है, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट The Neat One Team. Thank you, bachchu.